हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी को जय गुरु। यहाँ पे मैं अभी सो करके उठी हूँ, और सो करके उठने के बाद सबसे पहले मैं दोनों हाथों को रफ करूँगी, फिर से लगाऊंगी। तो ये हमारे हाथों में सरस्वती माता होते हैं, तो उनको सुबह सुबह इस तरह से जगने के बाद उनको प्रणाम किया जाता है। फिर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, कहना चाहिए कि पूरे दिन आप हम लोग का भार थमते हैं। तो उसके बाद फिर मैं फेस वॉश, मतलब फेस को ऐसे बस पानी से वॉश करूँगी। उसके बाद मैं स्टिविटी करूँगी। तो मैं यहाँ सुबह 4 बजे से ही जगी हुई थी, लेकिन बिस्तर मैंने 4:30 में छोड़ा है। क्योंकि 4 बजे से मैं इसलिए जगी हुई थी, 4 बजे नींद खुली मेरी। उसके बाद मुझे नींद, ऐसे मैं 5 बजे उठती हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, 4 बजे नहीं उठती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं इष्टवृत्ति करूँगी। तो इष्टवृत्ति मैं 3 लोगों का करती हूँ, एक अपना करती हूँ और दोनों बाबू का करती हूँ। तो 3 लोगों का मैं इष्टवृत्ति करती हूँ। तो मैं 4:30 में बिस्तर इस वजह से छोड़ी क्योंकि वीडियो मुझे आज शूट करना है। तो वीडियो शूट करने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए, और क्योंकि पता है कि अगर जितना काम मुझे अगर हो जाता है 1 घंटे में, तो उसके लिए तो लगभग दोगुना समय चाहिए। तो इस वजह से मैं उठ गई पहले कि नहीं, वीडियो आज मुझे शूट करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। ऐसे में थोड़ा लेट भी उठती हूँ, 5:15 भी उठती हूँ, तो आराम से काम हो जाता है। और तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि चलो अब उठ ही गई हूँ 4 बजे, तो फिर बिस्तर पे ऐसे पड़े रहने से क्या फ़ायदा। फिर चलो उठ करके अपना काम करो, और तबीयत भी ठीक है तो चलो उठ जाओ। तो यहाँ रूम में जो चटाई बिछा हुआ है उसे मैं उठा लूँ, क्योंकि मुझे अब झाड़ू लगाना है। और देख सकते हैं रूम को, मैं रात को ही समेट करके सोती हूँ, रूम बिल्कुल फैला हुआ नहीं है। तो यहाँ मैं अब किचन में आ गई हूँ, पानी गर्म करूँगी अपने लिए पीने के लिए। तो ये तो मुझे सुबह सुबह पानी गर्म कर चाहिए ही, और मुझे गर्म पानी सुबह सुबह मैं पीती ही हूँ। फिर गर्म पानी पीने के बाद उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, और मेरी आदत है उठने के बाद मैं फ़ोन चेक करती हूँ कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितना व्यूज़ बढ़ा। तो ये मेरी हैबिट में हो चुकी है, सुबह सुबह मैं चेक करती ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं, कभी बढ़े भी रहते हैं, कभी घटे रहते हैं, वो ऐसा होते रहता है। तो अक्सर बढ़ा हुआ ही रहता है, अच्छा लगता है देख करके। तो यहाँ गर्म पानी ले लिया है, पी लेती हूँ। मैंने दोनों साइड का गेट खोल दिया है, और बस नेट वाला गेट लगा हुआ है, और पर्दे लगा दिए हैं। और उसके बाद मैं सब चेयर हटा हटा करके अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, और फिर पोछा लगाने के बाद चेयर को मैं सेट करूँगी। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बाबू दोनों मेरी अभी सो रही है, और अभी उसे जगाऊंगी भी नहीं, उससे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। मैं नहा धो लूँगी प्रार्थना करने के बाद, उसके बाद ही मैं उसे जगाऊंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सबका जिक्र कर रही है, हस्बैंड कहाँ है? तो हस्बैंड नाइट ड्यूटी में है, वो सुबह आएंगे लगभग, मतलब सुबह तो हो चुकी है, लेकिन 7 के बाद ही आएंगे। तो इस वजह से वो मेरे वीडियो में सुबह सुबह नहीं दिख रहे हैं। ऐसे भी वो बहुत ही कम ही दिखते हैं मेरे वीडियो में, क्योंकि थोड़े शर्मीले टाइप के हैं वो। तो इस वजह से वीडियो में वो नहीं आते भी हैं, तो कुछ बोलते नहीं हैं, थोड़ा बहुत बोलते भी हैं तो बस थोड़ा बहुत ही बोलते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मैं इस रूम का लाइट ऑन नहीं कर रही हूँ, बार बार लाइट ऑन करना मुझे लग रहा है कि बाबू उठ जाएगी, बार बार लाइट ऑन करूँगी ऑफ करूँगी। तो लेकिन फिर भी मैंने बाथरूम का लाइट ऑफ कर दिया है, और फिर यहाँ कर देखिए हिल रही है। जैसे लाइट ऑन करती हूँ ना, दोनों हिलने लगती है, तो मुझे लगता है कि कहीं उठ ना जाए इस वजह से। तो वह बाथरूम का लाइट मैंने ऑफ कर दिया है और रूम का ऑन किया है, क्योंकि ऐसे भी झाड़ू मैं लगा रही थी तो बाथरूम के लाइट से रोशनी आ ही रही थी।
तो देखिए यहाँ 5:05 हो चुके हैं और झाड़ू लग गया है, बाकी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ब्रश अभी कर रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, बाहर धोऊंगी, तीनों साइड में बाहर धोती हूँ। और क्योंकि बाहर जब तक नहीं धोती हूँ अच्छा नहीं, पोछा लगाने से अच्छा मुझे बाहर धोना ही सही लगता है, वो जल्दी हो जाता है, मैं बाहर धो ही देती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ और उसके बाद फिर झाड़ू तो लग गया, पोछा लगाऊंगी, बाहर धोऊंगी। तो मेरी बाबू दोनों भी सो और रही है, इस वजह से मैं बेड अभी सही नहीं करूँगी, नहीं तो वो दोनों भी सो रही है तो कैसे मैं बेड ठीक करूँगी। ये बेड वाला काम मैं बाद में करूँगी, दूसरे रूम का तो सही है, जिस रूम में सोते हैं हम लोग, बस उसका सही करना है बेड। पोछा है ना, तो मेरे हस्बैंड यहाँ थे, मैं घर पे थी तो वो पोछा लगाते थे, तो इस वजह से उनसे पोछा टूट गया है। तो बस अभी काम चल रहा है, इस वजह से हमने नहीं लिया है अभी, लेकिन मुझे एक पोछा लेना है। सुबह सुबह वीडियो शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हर एक जगह कैमरा सेट करना, इस वजह से मैंने पूरा घर का पोछा नहीं दिखाया आप लोग का, हर एक जगह का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो शूट कर पाना, आप लोग समझ सकते हैं, खास करके जो यूट्यूबर हैं वो समझ सकते हैं, ऐसे नॉर्मली इंसान तो नहीं समझ सकता इस चीज़ को। देखने में तो कुछ नहीं लगता है कि बस वीडियो बनाती है क्या है, इस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बनाती है, जो अपलोड करती है, एडिट करती है, उसको पता चलता है कि क्या है नहीं है, कि कितनी मेहनत है, एक यूट्यूबर कितनी मेहनत करती है उसको पता है, जो कि वीडियो अपलोड करते हैं। सो गाइज, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हाँ गाइज वीडियो वॉच कीजिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं बीच में क्या बोलती हूँ, क्या आप लोग को समझाती हूँ, या क्या कुछ ऐसा टिप्स है जो कि हो सकता है आप लोग मिस कर दीजिएगा, इस वजह से वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो यहाँ मैं नहा करके आ चुकी हूँ और मैंने फूल भी ले आया है, तो फूल मैं ले आई हूँ, और उसके बाद मैं अब ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, फिर तुलसी लाऊंगी, मैं तुलसी पत्ते भी नहीं लेकर के आई हूँ, तो तुलसी पत्ते मैं ऐसे नहीं तोड़ती हूँ, मैं जल दे करके ही तुलसी जी को तोड़ती हूँ, ऐसे कहा जाता है कि तुलसी को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, पहले कुछ देना चाहिए फिर लेना चाहिए, तो इस वजह से मैं तुलसी जी को तोड़ने से पहले जल दे देती हूँ 1 लोटा, उसके बाद ही मैं फिर तुलसी जी को लेके आती हूँ। तो यहाँ मैं तुलसी ले आई हूँ, बिना तुलसी के ठाकुर के भोग भी नहीं लगते हैं, तो यहाँ मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, और मैं फिर सूर्य भगवान को जल देने के लिए भी जाऊँगी, इस वजह से लोटा में देखिए आप लोग, मैं जल दे करके आ भी गई हूँ, और प्रार्थना के बाद मिलती हूँ आप लोग से। तो प्रार्थना के बाद अब देखिए मैं ठाकुर जी को भोग उतार रही हूँ, मैंने प्रार्थना का वीडियो आप लोग से शेयर नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। तो ये बस वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे ठाकुर जी के, और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, ऊपर सारे भगवान हैं, नीचे ठाकुर जी हैं।
यहाँ पे मैं देखिए नहाने के बाद थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तैयार मीन्स कि जैसे अपने आप को सही कर लेना, बाल झाड़ लेना और थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लेना, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक ये सब थोड़ा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर नहाने के बाद ये सब कर लीजिए ना तो आपको लगेगा कि हाँ जैसे नहाए हुए, अच्छा फील होता है। और अगर ये सब नहीं कीजिए ना तो लगेगा कि जैसे कि नहाए ही नहीं है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सुबह का रूटीन। तो मॉर्निंग में मेरा रूटीन यही रहता है अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है। तो आज काफ़ी टाइम पहले मैं जग गई थी, तो इस वजह से वीडियो मैं शूट कर ली। अब मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता है, अब बाबू दोनों को उठाऊंगी, नहलाऊंगी और उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता बनाने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर कपड़े धुलूंगी, अभी आराम से धुलूंगी, सबका हो जाएगा ना। हस्बैंड अभी ड्यूटी में है, ड्यूटी से आएंगे, उनके भी कपड़े होंगे, फिर इकट्ठे सब धुलूंगी। तो चलिए आज का मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। अगर अच्छा लगा है तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं गाइस। जो काम मेरा एक घंटे में होगा उसे करने, उस काम को करने में 2 घंटे लग जाते हैं अगर वीडियो शूट करती हूँ तो टाइम लगे। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चलिए आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए, मैं प्रसाद लूँगी, अभी प्रसाद नहीं ली हूँ, तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए और मैं भी लूँगी, तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए, मैं लेती हूँ।